गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ हेटरोजीनियस कैटालिसिस। लास्ट क्लास इसका पार्ट वन देखे थे, पार्ट ए, उसमें हम लोग देखे थे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। आज जो हमारे सिलेबस में है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड रिएक्शंस इंटरमीडिएट थ्योरी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है बेटा, ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, और जिसमें एडजॉर्प्शन बताता था कि रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और एक था इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। द कैटलिस्ट जो है कंबाइन करके रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनाता है एट लो एक्टिवेशन एनर्जी, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द हेटरोजीनियस कैटालिसिस टेक प्लेस इन फाइव स्टेप्स। व्हाट आर दीज फाइव स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है का एक कंटेनर में गैसियस रिएक्टेंट है, उसमें हम लोग क्या डाल दिए, कैटलिस्ट डाल दिए, वो डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, द कैटलिस्ट जो है इट कंटेन्स सम फ्री वैलेंसेस, मींस सम रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस पार्टिकल्स। द सरफेस पार्टिकल ऑफ कैटलिस्ट हैज सम रेसिडुअल फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्स। ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स the adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst take place by forming loose bond with the catalyst. Okay, due to the presence of unsatisfied valencies, okay, these gaseous reactant molecules are adsorbed by the catalyst, and this adsorption takes place by formations of a loose chemical bond. मतलब ये दोनों के बीच में bond जो होगा वो बहुत ही loose होगा. So the molecules of gases reacted can move to and fro about its mean position on the surface. And during their movement, जैसे ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, इसके बगल में भी होगा. ऐसे ऐसे क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा, टकराएगा. And therefore the collision between the reactant molecules takes place. This collision causes the chemical reactions. क्योंकि आपने collision theory में पढ़ा था कि chemical reaction takes place due to the collision of the reactant molecules. And after collision, the chemical reactions starts. So at the surface of catalyst in third step, there is an occurrence of chemical reactions between the reactants, molecules, and the catalyst. Catalyst also take part. During this chemical reactions, and an intermediate is formed, a temporary intermediate is formed. Okay, for a time being, a temporary intermediate is formed. That's why it is the combination of old adsorption theory as well as the intermediate compound theory, formation theory. So in this step, the chemical reactions occurs on the surface of catalyst between the reactant molecules and an intermediate is formed. Okay, right. Okay, now what will happen in the next step? Desorption of the product molecule from the surface. Okay, in the next step, the after the chemical reactions the products are formed, and the desorption of product takes place from the surface of the catalyst. Due to the lack of affinity of the catalyst surface for the product, product को catalyst से उतना ज्यादा लगाव नहीं है जितना reactant को था, इसलिए product क्या कर, catalyst क्या कर देगा, product को छोड़ देगा, AB जो product बन रहा है उसको छोड़ देगा। ठीक है, and makes the surface free for fresh adsorption. अब ये surface क्या हो जाएगा, free हो जाएगा, फिर से दूसरा reactant molecules इसके ऊपर में क्या होगा, जमा होगा, यानी उतना ही amount का catalyst जो है फर्दर आपको रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, उसको कुछ नहीं होने वाला। एंड फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट डिफ्यूजेस अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस कैटलिस्ट।
ये पांच स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट शो कर रहा है। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होगा, अनयूटिलाइज्ड वैलेंसेस होगा और उसके चलते क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का उसके ऊपर में एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, बाय लूज केमिकल बॉन्ड। और वहां पे क्या होगा, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड, एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड, वेयर वी कैन सी द पार्टिसिपेशन ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो हियर। मीन्स ए बी एंड कैटलिस्ट ऑल दीज आर अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस वी गेट अ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट हैज लेस एफिनिटी फॉर कैटलिस्ट, और यू कैन से कैटलिस्ट हैविंग लेस एफिनिटी फॉर प्रोडक्ट, उसको बहुत ज्यादा प्यार नहीं है प्रोडक्ट से। तो द डिसॉर्प्शंस ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस एंड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अगेन अवेलेबल फॉर द एडसॉर्प्शंस ऑफ फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कन्वर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ओके, एंड फाइनली द प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। This is the mechanism of this modern adsorption theory. Again, what is the advantage of this modern adsorption theory? See, the first advantage is a small quantity of catalyst is sufficient for the reactions because it is regenerated again and again. बार बार ये क्या हो रहा है? Regenerate हो जा रहा है reactions. And the second is the catalyst take part in the reactions, but you can see after the reactions there is no change in its chemical composition, no change in its mass, so it remain unchanged after the completion of reactions. And the third point, if there is a catalytic poison, iske sath sath koi catalytic poison bhi agar rehta yahan pe maujood reactant ke sath, so catalytic poisons are preferably adsorbed on the surface of catalyst, thereby hindering the adsorption of reactant molecule. Catalyst जो है वो उसके surface पे क्या जमा होने लगता, catalytic poison भी जमा होने लगता, जिसके चलते वो रुकावट पैदा करता है किसमें, in the adsorption of reactant molecules. Hence they slow down the activity of catalyst. वो एक्टिविटी को क्या कर देगा, अपना कम कर देगा, क्योंकि वहां पे कैटलिस्ट पहले क्या करेगा, कैटलिटिक पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सेनिक को अगर एड्सॉर्ब कर रहा है तो उससे क्या होगा, जो रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होता है उसके रास्ते में क्या होगा, ऑब्स्टिकल आएगा, बाधा आएगा, ठीक है ना। इस तरह से कैटलिटिक पॉइजन क्या करता है, रिएक्शन का रेट को क्या कर देता है, या क्या बोलते हो, कैटलिस्ट का एक्टिविटी को क्या कर देता है, अपना कम कर देता है। तो ये पूरा था मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इसी पे आपको क्वेश्चन आता है। थैंक यू।